हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता आज आपके सामने एक हेल्दी नाश्ता लेके आई हूँ जो बनाएंगे। सबसे पहले मैंने लिया है चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक, देसी घी, कॉर्नफ्लावर, एक प्याज और 3 आलू लिए हैं मीडियम साइज के। इसको छील लिया है। सबसे पहले आलू को और प्याज को कद्दूकस कर लेंगे। आलू प्याज को कद्दूकस कर लिया है। अब इनको दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। मीडियम साइज़ का कद्दूकस करना, न ज़्यादा बड़ा और न ज़्यादा छोटा। इसको चला, इसमें 1/4 टीस्पून चाट मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, टेस्ट के हिसाब से साल्ट, नमक डाल दें और इसको अच्छे से एक बार फिर से मिला लें। आलू के अंदर थोड़ा पानी रहता है इसलिए कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। करीब मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाला है, ज़रूरत पड़ेगी तो और ऐड करेंगे। इसमें मिला लेंगे। इसमें थोड़ा और कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और इसको मिला लेंगे। इसको जल्दी से बनाना है क्योंकि बहुत जल्दी पानी छोड़ता है आलू। इसमें कॉर्नफ्लावर जितनी ज़रूरत हो, अगर गीला हो तो और भी ऐड करते रहें कॉर्नफ्लावर। तो इस तरह से मीडियम साइज़ का बना लेवें। अब सबसे पहले तवे पे घी फैला देंगे 1 टीस्पून, और गरम होने के बाद लो फ्लेम कर देंगे गैस को। इसको इस तरह से जितना बड़ा बनाना चाहे उसे शेप दे दें इस तरह से। पलटने से पहले ऊपर की साइड थोड़ा सा पका हुआ लगने लगे, उसके बाद पलटेंगे। इस तरह से हिलाएंगे ताकि अंदर से घी तक पहुँच जाए और चिपके नहीं है। इस तरह से अब इसको पलट देंगे। ब्राउन कलर आया है, कितना अच्छा कलर आया है। अब इसको वन साइड से और अच्छे से इस तरह से घी लगा के इसको पकाएंगे ताकि तलवे में लगे नहीं। गैस को मीडियम से लो फ्लेम पर ही रखना है। देखो आराम से निकल जाता है। तो अच्छा कलर आया इधर भी। इसको 1 से 2 मिनट के लिए और फिर से पकाएंगे ताकि और डार्क कलर हो जाए। बन के तैयार है। इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसको टमाटर केचप के साथ, चटनी के साथ, आप जिसके साथ पसंद करते हैं इसको सर्व करते हैं। ये रेसिपी कैसी लगी मुझे बताएं। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।